Assalamualaikum dear students, this is Sir Daniel Khan. Today again we are here with lecture number 6, Physics for Class Matric. Today we are going to find derive the formula for gravitational field strength at the surface of Earth. ये जो आप पढ़ते हैं G की वैल्यू क्या है, G क्या है, तो इस G का जो फॉर्मूला है ये हमें कैसे मिलेगा या इसकी वैल्यूज हमें कैसे कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो क्या है. ठीक, तो आज थोड़ा हम इसको डिस्कस करेंगे. टॉपिक का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक, सपोज करें एक बॉडी है जिसका मास है m. आपको कुछ भी हो सकता है, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है. जनरली हम कह रहे हैं कि एक बॉडी है, उस बॉडी का जो मास है वो मास है m, और वो बॉडी कहां रखी हुई है? वो बॉडी रखी हुई है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ की सरफेस पर वो बॉडी रखी हुई है. एक जो बॉडी m जो सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई है उसका मास m, और एक पूरी जो आपकी अर्थ है उसका मास. सपोज करें ये जो डॉटेड सर्किल आपको दिख रहा है ये जमीन है. इस जमीन का जो मास है उसे हम डिनोट कर रहे हैं यहां पर एम ई, मतलब मास ऑफ अर्थ. और दूसरी बॉडी जिसका मास एम है वो कहां है? जमीन की सरफेस पर. जमीन के सेंटर से लेकर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम कह रहे हैं रेडियस. क्यों? क्योंकि ये जमीन के सेंटर से लिया गया है, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ. क्योंकि ये हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक, अब इसको मैंने यहां इंग्लिश में लिख दिया है. सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, सपोज करें एक बॉडी है जिसका मास m है और इज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो बॉडी कहां लाए करती है? वो सरफेस ऑफ अर्थ पर लाए करती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन एज. क्यों? क्योंकि ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. यहां पर एम वन बराबर मैंने एम के लिया है बॉडी का मास, एम टू बराबर लिया है मैंने एम ई के मास ऑफ अर्थ के, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने लिया है आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक, तो इनको आप रिप्लेस करें एफ बराबर जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. ठीक, अब सपोज करें कि जो बॉडी है जो जमीन की सरफेस पर रखी हुई है इसका जो वेट होगा वो होगा डाउनवर्ड, और वेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डब्ल्यू इक्वल टू एम जी. क्योंकि वेट भी एक किस्म की फोर्स है जो जमीन चीजों पर एग्जर्ट करती है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय वेट. W इज इक्वल यहां आ गया W, और W की जगह क्या आ गया? एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. ये सिमाल एम से हो गया कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा G बराबर कैपिटल G एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर. इसमें जो कैपिटल जी है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इन एसआई सिस्टम. मास ऑफ अर्थ हमने कैलकुलेट किया हुआ पहले से ही 6 × 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्स्टेंट है यह हमें पता है 6.4 × 6 मीटर. ये सारी वैल्यूज जो है ये एसआई सिस्टम में है. इन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको जी एम बी ओवर आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10^24, रेडियस का स्क्वायर 6.4 × 6 मीटर का स्क्वायर. इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसका करेंगे स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो फाइनलाइज यू विल गॉट जी की वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर कोई बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पर रखी हुई है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो आप इस तरीके से, इस टेक्निक से इजीली मालूम कर सकते हैं। और याद रहे ये दोनों तीनों कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ अर्थ ये भी चेंज नहीं होगा और रेडियस ऑफ अर्थ ये भी चेंज नहीं होगा। इसको आपने पढ़ना है, स्टडी करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो भी बात, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा यू कैन आस्क एज अ कमेंट। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, टेक केयर।